वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टेक्नीशियन बी केमिकल ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसमें जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन है, 50 में से जो है 50 भी जो है टोटल क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये रिपीटेबल हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है स्टेटमेंट है जो गलत है। कह रहा है कि डबल साल्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूंट, यानी कि जो डबल साल्ट है अपने सभी संघटकों का पॉजिटिव टेस्ट देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कम्प्लेक्स सॉल्ट कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जितने भी कम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो जो है सहसंयोजक बंधक उनमें होता है निर्देशांक में, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयस जो है इजिली, यानी कि जो संक्रमण एलिमेंट हैं वो आसानी से मिश्र धातुओं के रूप दे देते हैं। चौथा कह रहा है कि पैरामैग्नेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनपेयर प्रोटॉन, तो भाई अनपेयर प्रोटॉन नहीं होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूँ, इसमें कह रहा है करंट फ्लो इन सॉल्यूशन थ्रू, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है सरल जो सॉल्यूशन में जो करंट का जो फ्लो होता है वो किस वे में होता है, तो वो जो है आयंस के थ्रू होता है। अगर वहीं कह दें कि जो है तार में जो इलेक्ट्रिक तार में जो है करंट का फ्लो कैसे होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, लेकिन सॉल्यूशन में तो आयंस के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट, यानी कि जो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करना पानी में से, तो अलग अलग करना, तो जब वो करते हैं तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो वो जो है एनोड पे एनोड वाली छड़ पे होता है या कैथोड वाली पे होता है या इलेक्ट्रोलाइट में होता है या गेल ब्रिज में होता है, तो वो जो है एनोड में होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, इसमें कह रहा है कि यूरिया का सूत्र क्या है, तो यूरिया द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो NH2CO, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये यूरिया का फार्मूला है। नेक्स्ट है पीतल जो है एक तरह से ब्रॉस इज एलॉयस ऑफ, यानी कि ब्रास जो है पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है, तो वो कॉपर और जिंक की है। नेक्स्ट है एल्कली मेटल आर स्टोर इन, यानी कि क्षार धातुओं को कहाँ संरक्षित किया जाता है, यानी कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, तो उन्हें जो है केरोसिन में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है, यानी कि विच इज नॉट एन इनर्ट गैस, तो जो है जीनोन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, लेकिन रूबिडियम जो है एक अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रोफ फॉर्म ऑफ एलिमेंट डिफर इन, यानी कि जो इलेक्ट्रोफ होते हैं वो किस में डिफरेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोफ का मतलब कि जैसे एक ही कंपाउंड के अपरूप, जैसे अगर आप कार्बन के देखोगे तो ग्रेफाइट और डायमंड को ले लो, तो ये जो है एक कार्बन के इलेक्ट्रोप हैं। अब इलेक्ट्रोप में डायमंड और कार्बन सॉरी ग्रेफाइट को आप देखो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज है, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी चेंज है, तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन पे होगा। नेक्स्ट है कठोर जल में क्या होता है, यानी कि हार्ड वाटर कंटेन, तो हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम कंटेन होता है, उसमें सोडियम भी होता है, लेकिन सोडियम जो है हार्डनेस को नहीं बढ़ाता, वो बस एल्कलिनिटी को बढ़ाता है, तो यानी कि सोडियम जो है एक तरह से हार्ड वाटर नहीं बनाता, कैल्शियम का मेन रोल है। यूरेनियम तो हार्ड वाटर में पाया ही नहीं जाता, लेड भी नहीं पाया जाता, पीपीएम में पाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड विच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड, यानी कि वो कंपाउंड जो प्रोटॉन को देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपने ब्रोस्टेन लोरिक का अगर एसिड बेस पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने यही बताया कि प्रोटॉन को दान देने वाले यौगिकों को हम एसिड कहते हैं, यानी कि कंपाउंड विच डोनेट प्रोटॉन और कॉल्ड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एसआई सिस्टम ऑफ लिमिट इन द ड्यू टू वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ
फिट आर ऑब्टेन बाय द वेयरिंग द साइज ऑफ सॉफ्ट द नेम गिविंग द सिस्टम इज, यानी कि लिमिटो व फिटो के आइस प्रणाली में जहाँ सॉफ्ट के आकार में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के फिट पाए जाते हैं उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है। तो ये जो है एक तरह से मैकेनिकल का जो है क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसमें मैकेनिकल के भी क्वेश्चन एक आध दो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोफ्स का हो गया हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा 3H7 अपॉन डी टू द पावर 9 के मामले में H7 क्या सूचित करता है। तो ये दोस्तों पेंडिंग है, क्योंकि ये जो मैकेनिकल का है मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन कहता क्या कह रहा है, तो इसलिए इसको पेंडिंग कर दिया हूँ, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि वो ना बताया जाए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वेट ऑफ एल्यूमिनियम सीट आपको प्राप्त करना है, वेट आपको ज्ञात करना है एल्यूमिनियम सीट की, जिसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और उसकी जो साइज़ है दोस्तों, साइज 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, लेकिन लेंथ यहाँ पे 1 mm है, ठीक है। तो उस 1 mm थिकनेस है, और आपको क्या प्राप्त करना है, वेट प्राप्त करना है। तो आप जानते हो इसका मैंने सोल्यूशन इस लाइन में दिया है जो ग्रीन मार्क किया है। तो इसमें जो है आप जानते हो कि डी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, और इसमें एम की वैल्यू पूछा है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है, तो एम डी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। डेंसिटी दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ जो है एल्यूमिनियम से 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 2.7 ये हो गया डेंसिटी इक्वल टू डी इक्वल टू एम बाई वी में डी की वैल्यू आपने रख दिया 2.7, एम की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। वी जो है, वी की वैल्यू कैसे आप ज्ञात करोगे, तो वी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप जो है सबको जो है आप mm इसमें दे रखा है, मीटर में जो है साइज जो है 1 मीटर दे रखा है, विड्थ भी 1 मीटर दे रखा है, और थिकनेस जो है 1 mm दे रखा है, ठीक है। तो इसको सबको आप जो है उसमें कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो है फाइनल इसकी वैल्यू दे रखा है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आपको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 1 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा। फिर जो है आप विड्थ में 1 मीटर भी दे रखा है तो उसको भी कन्वर्ट करो, वो भी 100 सेंटीमीटर होगा, और थिकनेस दे रखा है 1 mm, 1 mm को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। अब तीनों को आपस में गुणा कर दो तो ये जो वैल्यू आएगी 1000 क्यूबिक जो है मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो वही वैल्यू रख दो, 2.7 इक्वल टू एम बाई वी, वी की वैल्यू आप आगे आपके आगे 1000, 1000 में जब इससे भाग दोगे तो 2.7 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो वो हो जाएगा 2700 ग्राम, और जब उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दे दो तो 2.7 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी 2.7 आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ CNC मशीन इन विच द एक्चुअल पोजीशन ऑफ टूल इज कंपेयर टू द इनपुट वॉल्यूम। तो उसे कहते हैं सर्वो कंट्रोल, ये भी जो है मैकेनिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए होल ऑफ अ डायमीटर जो है 20 SM इज टू बी फिनिश्ड, व्हाट मेजरिंग डिवाइस विल यू सेलेक्ट टू चेक वीदर द साइज ऑफ होल विथ इन द लिमिट और नॉट। यानी कह रहा है कि 20H7 व्यास के एक छिद्र को पूर्ण करना है, यह जांच करने के लिए कि क्या छिद्र का आकार सीमा के अंदर है या नहीं, तो आप किस युक्ति का यानी किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लिमिट प्लग गेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, कह रहा है कि 0.018 का विभाजन 0.003 से करें, यानी कि डिवाइड 0.018 बाई 0.003, तो डिवाइड करेंगे तो इसके आंसर जो है 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल विथ साइड ए, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जिसकी एरिया ए हो, तो वो होता है दोस्तों √3/4a². नेक्स्ट है हमारा कि
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 मिलीमीटर एमएम, फाइंड द डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 66 मिलीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 21 एमएम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू रिकोगनाइज अ ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल, यानी कि मृत लोहे से उपयुक्त ड्रिल को आप कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए लोहे जो है बाय द लार्ज हैक्सल एंगल का अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे पता चलेगा। नेक्स्ट है, जीरो रेक एंगल इज प्रोवाइड अन कटिंग टूल फॉर, तो मशीन डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग के लिए हम जीरो रेक एंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी केप्ट इन रूम ऑफ साइज 10x12x14 feet, यानी कि कह रहा है कि 10x12x14 feet के एक कमरे में रखे जाने वाले दंड यानी स्केल की सर्वाधिक लंबाई क्या होगी, तो वो होगी 20.96 feet। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है पूछ रहा है कि 25 + √5 × 25 − √5 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी 620 होगी। नेक्स्ट कम इस क्वेश्चन दे रखा है कि 5x + 3y = 14, 2x + 7y = 23, तो इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसमें जो y की जो वैल्यू आएगी 87/29, यानी कि इसमें जो है 3 आएगी वैल्यू y की, लेकिन 3 इसमें कहाँ मिल रहा है, तो 87/29 का मतलब हुआ कि 29 से जब 87 में भाग दोगे हाँ तो 3 बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कंफ्यूज बस किया है और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ट्रेंगल हैविंग अ साइड ए बी एंड सी इज गिवन बाई अंडर रूट s − a, s − b, s − c। तो कह रहा है कि वेयर s इक्वल टू, यानी कि वहाँ पे s क्या है। तो अगर आप जानते हो कि जो है आपका जो है त्रिभुज का जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है a² वो अंडर रूट जो है ये जो है s − a, s − b, s − c होता है, तो s की जो वैल्यू होती है s की वैल्यू इक्वल टू होती है a + b + c / 2, यानी कि a + b + c / 2 होते हैं, यानी कि तीन भुजाओं को योग करके 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि sin 30° और मल्टीप्लाई cos²40° और +10 = 45, यानी इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो इनकी बस जो है वैल्यू रख दो, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान जो है 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, और 10 = 45 का मान 1 होता है, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आप 5/4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1/2b = 1/3, तो इसमें बी की वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी b की वैल्यू जो है 3/2 आएगी, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लग एड इज, यानी कि रिवेट छिद्र केंद्र से जो प्लेट छोर तक की न्यूनतम दूरी क्या है, तो वो होती है दोस्तों 2d होती है, यानी कि ट्विस्ट द डायमीटर ऑफ द रिवेट, वो रिवेट का 2 गुना और रिवेट के डायमीटर का 2 गुना होती है। नेक्स्ट है, इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन फिट, यानी कि इसमें जो है ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल क्या है, तो रिंगिंग फिट जो होती है वो ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि केमिकल डिप्लोमा में जो पेपर आ जाता है वो उत्पटांग उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सिविल के आएंगे तो कुछ जो है मैकेनिकल के आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल के आएंगे, और इनका पर्पज़ यही होता है कि जो कट ऑफ को जो है मेंटेन रखना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा किताब से ही दे देगा तो कट ऑफ उसका 100, वो सभी बच्चे 100 को क्रॉस 100 में 100 ला देंगे, लेकिन अगर एक ऐसा उठ पटांग क्वेश्चन दे देगा तो थोड़ा कट ऑफ उनका मेंटेन रहेगा जो है छांटने में कि हाँ ये बंदा इतने मार्क्स लाए। तो ये जो है कुछ जो है कहीं भी डाल देते हैं कि गलती तो होगी, उस पे जो है नंबरिंग करना आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है दोस्तों कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए नन ऑफ एबव होगा। नेक्स्ट है कि द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ सर्कल व्हेन द सर्कल रोल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं
साइक्लॉइड, उसे साइक्लॉइड कहते हैं, यानी कि जब जब कोई वृत्त एक सीधी रेखा पर चलता है तब उस वृत्त की एक बिंदु द्वारा निर्मित जो निर्मित वक्र है उसे कहते हैं साइक्लॉइड। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि अग्निशमक के लिए प्रयुक्त गैस यानी कि द गैस यूज इन फायर फाइटिंग, तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कह रहा है कि जो सेफ्टी में जो है PPEs का अर्थ क्या होता है, तो PPEs का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, चार्ल्स का नियम क्या था यानी कि द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स ने बताया था V1/T1=V2/T2, या आप ये कह लो कि V/T=constant, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, कोई नहीं, सही है। इसमें जो है 31 सेकेंड, थोड़ा सा बैक, हाँ, तो ये चार्ल्स का नियम हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34, इसमें कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट कंटेन, तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसमें दे रखा है एटॉमिक नंबर कितना है किसी एलिमेंट का, 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसमें जो है प्रोटॉनों के कितने हैं प्रोटॉन उसकी वैल्यू होती है, या प्रोटॉन के नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, तो इसलिए जो है जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कंटेंट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है 12। नेक्स्ट कह रहा है कि एल्कली मेटल बिलोंग इन विच ब्लॉक इन अ पीरियोडिक टेबल, एल्कली मेटल जो है पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो वो एस ब्लॉक के हैं। नेक्स्ट है मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो 18 है मॉलिकुलर वेट उसका वाटर का। नेक्स्ट है द केमिकल बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में कौन सा केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैबर प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रस्टिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो रस्टिंग जो है बेसिकली तो आयरन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई जाती है, लेकिन उससे कम जो है सिल्वर में भी पाई जाती है, गोल्ड में रस्टिंग नहीं होती, सोडियम में रस्टिंग नहीं होती, तो सिल्वर में होती है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ, तो ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए ये जो है कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड एमंग ऑफ दीज, इनमें से जो है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो एनिलीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, टोलुइन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन हेक्सेन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के श्रेणी में नहीं आते। नेक्स्ट है डिस्टिल वाटर प्रिपरेशन इन्वॉल्व, यानी कि जो डिस्टिल वाटर है उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या हम कंडेंसेशन से डिस्टिल वाटर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, इवेपोरेशन से नहीं, हम दोनों से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले पानी को इवेपोरेट कराइए फिर उसको कंडेंसर में ले जाके कंडेंस कराइए, तो जो पानी मिलेगा वो एकदम प्योर जो है डिस्टिल वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 मिली लीटर जल का भार कितना होता है, तो 400 मिली अगर जल के रूप में है, वाटर के रूप में, तो वाटर को स्टैंडर्ड माना गया है, यानी कि 1 kg बराबर 1 लीटर, किसके केस में, वाटर के केस में, तो इसी तरह 400 मिली लीटर जो है 400 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि वाटर को स्टैंडर्ड मान के निकाला गया है kg की वैल्यू। नेक्स्ट है इफ अ कंपाउंड कंटेन सम इम्प्योरिटी इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल, तो डिक्रीज कम हो जाएगा, यानी कि किसी कंपाउंड में अगर आप इम्प्योरिटी मिला दोगे तो उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो घट जाएगी, जैसे वाटर के लिए आप, तो वाटर के केस में जो है वाटर की जो है मेल्टिंग पॉइंट या कह लो कि वो 0 डिग्री पे है, लेकिन जब उसमें जो है नमक या आप जो है वेम मशीन आप यूज कहीं देखे होंगे वेम मशीन, तो वेम मशीन में जो है लिथियम ब्रोमाइड यूज कर देते हैं, तो जो पानी जो है एक तरह से उसमें जो है 0 डिग्री पे जम सकता था, अब वो जो है -16 डिग्री -20 डिग्री तक उसे कुछ नहीं इम्पैक्ट होता, तो वाटर के केस छोड़िए, बाकी जो है आप ये समझिए कि जो भी कोई भी कंपाउंड अगर उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
नेक्स्ट है 1 मोल N2, यानी कि नाइट्रोजन का जो है 1 मोल जो है उसका मतलब क्या हुआ? तो इट्स मोलिकुलर वेट इज 28, बिल्कुल सही। इट कंटेन 6.02 × 10²³ मोलिकुल, ये भी सही है। इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 डिग्री होता है, लेकिन 100 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो आप जानते हो कि जो सेंटीग्रेड है और केल्विन है दोनों एक दूसरे से एक तरह से कोरिलेटेड हैं। तो जहाँ 0 डिग्री होता है वहीं जो है 0 डिग्री इक्विवेलेंट होता है 273 केल्विन के, तो उसमें जो है आप 100 ऐड कर दिए, यानी कि 100 डिग्री कर दिए, तो ये इसमें भी 100 की एडिशन हो जाएगा, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। 47 की बात करते हैं तो कह रहा है एडजॉर्प्शन इज, तो एडजॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमेना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, सरफेस फिनोमेना। नेक्स्ट है 48 का कि कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू वेपर फेज फ्रॉम सॉलिड विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड, यानी कि जब किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हो तो वो पहले मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, किसी सॉलिड को पहले आप गर्म करो तो मेल्ट होके लिक्विड बनेगा, लिक्विड होके वो वेपर बनेगा। लेकिन कह रहा है कि एक ऐसा पदार्थ जो आप उसको हीट दो तो वो लिक्विड बनने की वजह सीधे जो है गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस फेज में, तो उसे क्या कहोगे? तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है कपूर है। कपूर को गर्म करोगे तो लिक्विफाई ही नहीं होगा, उसमें इतनी फास्ट रिएक्शन होगी कि तुरंत वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोप कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटोप में जो न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होते हैं बाकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से होते हैं। नेक्स्ट है इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, यानी कि मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें जो है एलिमेंटों को कैसे क्लासिफाई किया गया, तो बेस्ड ऑन एटोमिक वेट, यानी एटोमिक वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो ये रहे 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। 4-5 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए जो मैकेनिकल या के थे, तो बाकी सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रिपीट हो सकते हैं। और इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको गलत लग रहा है मेरे द्वारा बताया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।